और चीनी की भी बिक्री तभी जब ज्यादा होगी जब सौहार्द का माहौल होगा, भाईचारे का माहौल होगा और हम लोग मिलकर के जब नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, किसान खुशहाल होगा तो हम आप लोग मिलकर के मिठाई भी एक दूसरे को बांटेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमारा आपका सौहार्द भी खत्म किया है, इसलिए भाईचारे के लिए और गंगा जमुनी तहजीब के लिए जो हमारी पहचान है उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं आपसे मदद मांगता हूं। वहीं मैं चौधरी चरण सिंह जी को याद करते हुए अपने किसानों से अपील करता हूं कि जब किसानों की लड़ाई अगर चौधरी चरण सिंह जी ने लड़ी थी वो ऐतिहासिक समय था, उन्होंने 70 के दशक में 80 के दशक में किसानों को जगाने का काम किया था, इस बार ये गठबंधन फिर आपको जगाने का काम कर रहा है। ये सरकार रही तो हमारे किसान और गरीबों को बर्बाद कर देगी। इसलिए इस मौके पर मैं अपने प्रत्याशियों का, एक गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए सहयोग मांग रहा हूं, मदद करना सब लोग, ऐतिहासिक मदद करिएगा। ये सरकार बनाने का चुनाव है और मनोज पारस जी को पहले से ज्यादा वोटों से जिताना